नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दक्षिण और पूर्वी भारत में मानसून के दस्तक देने के साथ ही कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून का अब भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि प्री मानसून के चलते देश के इन राज्यों में पिछले दिनों बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बुधवार को देश के अलग अलग हिस्सों में अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार 22 जून को गंगेय पश्चिम बंगाल में, 23 और 24 जून को विदर्भ में, 23 से 26 जून को बिहार में, 24 और 25 जून को झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 22 से 26 जून के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है, इसलिए अगले 4 दिनों के लिए कई राज्यों में बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। 24 से 26 जून के दौरान मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 जून को कर्नाटक में बारिश का अनुमान है। 22 जून, 25 जून और 26 जून को गुजरात के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही कहा है कि आने वाले दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी बारिश के आसार हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।